गाइज, वन प्लस हमेशा से जो है अपना जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक अलग सा धुन मचा के रखता है, और इसका जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस में भी बहुत बढ़िया कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और काफ़ी हाल ही में रिलीज़ हुआ वन प्लस नॉट, जिसका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रिव्यू मिलने के बाद भी काफ़ी लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्राइस है प्राइस बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अब लगता है कि वन प्लस जो है मिड रेंज में भी अपना स्मार्टफोन रिलीज करने जा रहा है। पॉपुलर टेक्स्टर मैक्स जे के मुताबिक वन प्लस नॉट लाइट दो वेरियंट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, एक है वन प्लस नॉट लाइट और दूसरा है वन प्लस नॉट लाइट प्रो। दोस्तों, इन सारे फ़ोन्स का फीचर्स और प्राइसिंग क्या क्या होने वाला है ये जानने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं करना चाहता है तो ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्राइस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस रेडमी नोट 9 और रियलमी और सैमसंग का जो बजट स्मार्टफोन से उसको काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाला है, क्योंकि वन प्लस नॉर्ड लाइट प्रो का जो प्राइसिंग होने वाला है वो होने वाला है 19,999, और वन प्लस नॉर्ड लाइट जिसका प्राइस होने वाला है 14,999। अगर डिज़ाइन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन प्लस नॉर्ड और नॉर्ड लाइट का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको वन प्लस नॉर्ड में पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन वन प्लस नॉर्ड लाइट में आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर लाइट प्रो का बात करें तो लाइट प्रो में आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्ड में आपको देखने को मिल जाता है 6.44 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, दूसरी तरफ नॉर्ड लाइट प्रो में यहाँ पे 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि दोनों में ही 90 हर्ट्ज़ रेट रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिल जाता है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नॉर्ड में मिल जाता है, 7565G प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और लाइट प्रो में यहाँ पे 690 जो कि 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर कैमरा का बात किया जाए तो लाइट प्रो में आपको 48+8+2 ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि सोनी IMX586 प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और नॉर्ड में आप लोग आपको देखने को मिलता था 48+8+5+2 क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि सोनी IMX586 प्राइमरी सेंसर के साथ देखा गया। दोस्तों, वन प्लस नॉट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वन प्लस नॉट का जो वेरियंट था 64 GB का वेरियंट 24,999 में मिलने को देखने को मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे नॉर्ड लाइट प्रो जो होने वाला है 64 GB आपका 19,999 में मिल जाएगा। लेकिन लाइट का अगर बात किया जाए तो लाइट जो है थोड़ा बहुत प्राइस में काट आउट किया गया है, जैसे कि 14,999 इसका जो प्राइस लगभग होने वाला है। दोस्तों, वन प्लस नॉट लाइट में अगर प्राइस का कट आउट किया जाएगा तो जाहिर है इसमें स्पेसिफिकेशंस पर भी कट आउट किया जाएगा, जैसे कि डिस्प्ले का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाएगा, और डिस्प्ले पैनल का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपको डिस्प्ले पैनल में 5 वोल्ट कैमरा डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, और डिस्प्ले रेजोल्यूशन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 1080x2400 APS-D+ डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, और प्रोसेसर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों स्नैपड्रैगन 695G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और पीछे जो रेयर कैमरा है डुअल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी सेंसर 48 MP का जो कि सैमसंग की तरफ से आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस का अगर बात किया जाए तो नॉर्ड लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, अगर जब भी ये रिलीज़ होगा तो मैं ये ख़रीदना चाहूँगा। अगर यहाँ पे रिलीजिंग डेट का बात किया जाए तो इंडिया में अक्टूबर एंड तक इंडिया में रिलीज़ हो जाएगा एक्सक्लूसिवली ऑन अमेज़न, आप अगर चाहे तो अमेज़न से जाके खरीद सकते हो।